कल रात को सूचना मिली थी, जब पुलिस कसिया पुलिस गश्त पर थी तभी सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ देवरिया रोड पर एक जगह एक बाइक से लूट हुई है, जिसमें कि 2 लाख रुपए ये साहब अंसारी, इन्होंने सूचना दी कि 2 लाख रुपये अपने मुर्गी फार्म से 2 लाख रुपए लेकर के अपनी आ रहे थे, जिसको किसी ने रास्ते में गन दिखा करके उनके रुपये लूट लिए। सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई करते कसिया पुलिस के द्वारा छानबीन शुरू की गई, सभी पहलुओं पर जांच करते हुए सब जगह से तथ्य ये प्रकाश में आया कि इन्होंने एक अपने अंडे का व्यापार करते थे, अंडे बेचे थे जिससे कि इनको 2 लाख रुपये मिले थे, और ये इनकी कहीं पे ये लूट हुई नहीं थी, पैसे इनके पास ही थे, बस इन्होंने अपना एक ब्लैंक चेक अपने जो मुर्गी फार्म के मालिक हैं उनको दिया हुआ था, जिससे बचने के लिए इन्होंने और 2 अन्य लोगों ने मिलकर के एक झूठी कहानी रची, और उस कहानी के जरिए इन्होंने पुलिस को झूठी लूट की झूठी सूचना दी, यानी गुमराह किया पुलिस को गुमराह किया, जिसमें कि अन्यथा ही पुलिस टीम पर तुरंत कार्रवाई की गई, और इसमें फाइनली ये हुआ कि अन्यथा इसमें पुलिस रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हुए। ऐसी झूठी सूचना दे करके ये लोग समाज में अफवाहें फैला करके एक भय का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से सही नहीं होता है। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ थाना कसिया में मुकदमा अपराध संख्या 1179/2022 पंजीकृत किया गया है, और आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने बजे रात को इनकी गिरफ्तारी हुई? कल आज सुबह इनकी गिरफ्तारी हुई है। किन धाराओं में इनका हुआ है? इनके ऊपर धारा जो पंजीकृत है 182, 120B और 332 IPC।